पैन ले लिया, उसमें मखाना डाल के मखाने को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे मखाना को। उसके बाद काजू लेंगे, बादाम, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे 10 मिनट तक कंटिन्यू फ्राई करके। इसमें बिना ऑयल के फ्राई मैंने किया है, कोई भी घी ऑयल का यूज नहीं किया है। ये खोआ मैंने मार्केट से हाफ के जी लिया था, उसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून लेंगे तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। ये मखाने सबको मिक्सर जार डाल के पीस लेंगे। ये इलायची नारियल को भी पीस लेंगे। ये मेरा खोआ ठंडा हो गया है, इसमें सब मिक्सर को डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छे से मिलाने के बाद उसके बाद इसमें चीनी का पाउडर मैंने बनाया था वो डालेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं। ये आधा केजी मैंने मैदा लिया है, उसमें 4 स्पून घी, देसी घी लिया है। उसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, ऐसे देखेंगे कि उसमें बंध रहा है गोला, तो और आटे को गूंथ लेंगे। ये मैंने एक छोटी सी लोई ले ली है, इसको बेलेंगे। इसमें पैथन वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही कंटिन्यू बेलते रहेंगे। मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद मसाले डालेंगे, मसाले को बीचों बीच रखेंगे, किनारे किनारे पानी लगा के इसको बना लेंगे। पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये गुजिया बन गया है मेरा। अब एक कढ़ाई मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, उसमें गुजिया को डालेंगे। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे पलट पलट के। हल्का ब्राउन फ्राई कर लेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। धीरे धीरे इसको चलाएंगे। फ्लेम को हमको मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं, इससे फूट जाता है। कंटिन्यू चलाते रहेंगे पलट पलट के। ये हल्का ब्राउन मेरा हो गया है। गुजिया मेरा रेडी है, अब हम इसको छान लेंगे। पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर।